तो दोस्तों एशिया कप 2023 की शुरुआत हमें 30 अगस्त से लेकर 17 सितंबर के बीच ये सीजन खेला जाएगा। ये सीजन हमें पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाएगा, जहां पाकिस्तान में कुल 4 मुकाबले खेले जाएंगे और श्रीलंका में कुल 9 मुकाबले खेले जाएंगे। तो ऐसे में एशिया कप 2023 का पूरा शेड्यूल क्या रहने वाला है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक बने रहे। तो आप भी एशिया कप के बड़े वाले फैन, तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर भी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करें। वही आप एशिया कप से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है। तो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करें। तो फ्रेंड वीडियो बढ़ते आगे, एशिया कप 2023 का पूरा शेड्यूल जान लेते। तो एशिया कप का पहला मुकाबला हमें पाकिस्तान वर्सेस नेपाल के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला में 30 अगस्त को मुल्तान में खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से खेला जाने वाला है। एशिया कप का दूसरा मुकाबला में बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला में 31 अगस्त को कैंडी में खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से खेला जाने वाला है। और एशिया कप का तीसरा मुकाबला में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला में 2 सितंबर को कैंडी में खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से खेला जाने वाला है। एशिया कप का चौथा मुकाबला में बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। ये मुकाबला में 3 सितंबर को लाहौर में खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से खेला जाने वाला है। और एशिया कप का पांचवा मुकाबला में इंडिया वर्सेस नेपाल के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। ये मुकाबला में 4 सितंबर को कैंडी में खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से खेला जाने वाला है। और एशिया कप का छठवां मुकाबला में अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला में 5 सितंबर को लाहौर में खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से खेला जाने वाला है। वह इसके बाद हमें सुपर फोर की स्टार्ट होने वाला है। सुपर फोर का पहला मुकाबला में ग्रुप 1 वर्सेस ग्रुप 2 के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। ये मुकाबला में 6 सितंबर को लाहौर में खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से खेला जाने वाला है। और सुपर फोर का दूसरा मुकाबला में B1 वर्सेस B2 के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। ये मुकाबला में 9 सितंबर को कोलंबो में खेला जाने वाला है। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से देखने को मिलने वाला है। सुपर फोर का तीसरा मुकाबला में A1 वर्सेस A2 के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। ये मुकाबला में 10 सितंबर को कोलंबो में खेला जाने वाला है। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से देखने को मिलने वाला है। और सुपर फोर का चौथा मुकाबला में A2 वर्सेस B1 के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। ये मुकाबला में 12 सितंबर को कोलंबो में खेला जाने वाला है। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से देखने को मिलने वाला है। और सुपर फोर का पांचवा मुकाबला में A1 वर्सेस B2 के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। ये मुकाबला में 14 सितंबर को कोलंबो में खेला जाने वाला है। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से देखने को मिलने वाला है। सुपर फोर का छठवा मुकाबला में A2 वर्सेस B2 के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। ये मुकाबला में 15 सितंबर को कोलंबो में खेला जाने वाला है। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से देखने को मिलने वाला है। वही एशिया कप का फाइनल मुकाबला में 17 सितंबर को ये मुकाबला खेला जाएगा। ये मुकाबला में कोलंबो में खेला जाने वाला है। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से देखने को मिलने वाला है। ये थी एशिया कप 2023 का पूरा शेड्यूल। वही आपको क्या लगता है एशिया कप 2023 की चैंपियन टीम कौन सी टीम बनने वाली है, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वही आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलती रहे।